ना ना बताइए हनुमान जी ने अपने सीने को क्यों फाड़ दिया? ये है क्यों फाड़ दिया और क्या? ऐसी कौन सी बात है? लेकिन सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को एक माला दी गई है। माला में जब उनको मां जानकी का दर्शन नहीं हुआ तो उन्होंने उस गुरियो गुरियो को तोड़ना चालू कर दिया और क्या। नहीं उसमें मिले तो ये तर्क दिया गया कि जब इसमें नहीं मिल रहे तो क्या आपके आपके रोम रोम में भी राम है या में भी राम है, तन में राम है। तो हनुमान जी ने सीने को फाड़ दिया। लेकिन एक सवाल इधर खड़ा होता है क्या बाकी जी ध्यान में नजर ना मन के में क्यों नजर ना मेरा
कंकड़ में बास है। तो आप एक मन के गुड़िया जो माला में गुड़िया पड़े हनुमान जी को ये गुड़िया तोड़ने पड़े, आप मन के से कहां चले गए? ये सवाल किया और गया और जर्रे जर्रे में राम ये 11 रुपए का प्रेम पत्र हमारे परम आदरणीय साथी भानु बंगरा निवासी दे रहे हैं। बहुत अच्छे राइटर हैं, कलम का लोहा माना जाता है जिला जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जर्रे जर्रे में है राम, राम का जगत पसारा है। ये मन के से क्यों दूर हुए गो या किनारा है। मन के से क्यों दूर हुए जानकी कहने लगी क्या बार लगा है आपसे सवाल करूं कि इधर जो वशिष्ठ मुनि बैठे हैं और विभीषण बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, सबसे मेरा सवाल है, ये सवाल आपसे क्या करूं, आपसे क्या करूं, मैं न जानूं भेद क्यों क्यों कि खम्बे में खम्बे से नरसिंह बन निकले। खम्बे को चीर के निकला है, लेकिन एक गुड़िया के लिए आपने हनुमान जी का सीना फड़वा दिया। खम्बे से नरसिंह पाल ले हारे गुलशन के मन के में क्यों नजर ना आए। दूसरी बात, मां जानकी ने सवाल किया क्या, लेकिन भवानी ने भी भगवान शंकर सवाल कर दी। ओ राखी जी, इस बात को समझना, समझ लेना, क्योंकि भवानी हनुमान जी की पूंछ बन के आई है। रुद्र अवतार लिया भगवान शंकर ने, तो माँ भवानी बोली हम भी चाहे, तो उनकी पूंछ बन करके वो हमेशा रही है, अब साथ में ही है। तो उन्होंने एक सवाल कर दिया क्या क्या, बिल्कुल हल्का, कि वो न मिले तो तुम तो थे।
माहौल जमचे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो न मिले तो तुम तो थे सजन मेरे प्रियदर्शी, ढूंढ ही लेते रात तुम थे त्रिकाल हो गया। और उस मनके में भले ही राम नहीं मिले लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी थे, उस मनके में आपको भी नजर नहीं आए। काकी जी सवाल ये है कि बोना मिले तो तुम तो थे जन मेरे प्रियदर्शी, ढूंढ ही लेते रात तुम थे कि आपको भी नजर नहीं आ रही। तीसरी बात, समय ज्यादा नहीं देते हुए, पहली बात मां जानकी को जब ये समझ में आया कि हनुमान ने सीना फाड़ दिया और बात कितनी थी कि मनके में राम नजर नहीं आए, दूसरी बात भवानी ने कहा क्या आप त्रिकालदर्शी थे, अगर वो नजर नहीं आए तो आपको नजर आना चाहिए। तीसरी बात दीजिए आप, रिद्धि सिद्धि सोच नहीं आप सोचेंगे क्यों रुद्र अवतार हुआ तो गणेश भगवान ने भी कहा कि हम भी चलें, तो वो लंगोट बन के आए हैं, लंगोट बन के हनुमान जी के साथ हमेशा गणेश भगवान रहे। तो गणेश भगवान की पत्नियों ने पूछ लिया, क्या पूछा, क्या रिद्धि सिद्धि सोच रही पिया मेरे हितकारी, तुम भी तो मौजूद थे पिग में तुम थे पिग में
सबसे पहली बात तो ये भाई साहब, हाँ एक लाइन आपने गाई, कौन सी? बोले राखी जी आपने अपना पुल बना दिया, हम पुल तो नहीं बना पाए। हाँ कोई बात नहीं, हम कहेंगे भी नहीं कि बना लिए। आपने कहा हम पुल तो नहीं बना पाए, आपने पुल बना दिया, लेकिन हम लोग उसी पुल से निकल के रामलीला करने जा रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा आप रामलीला करते हो, लेकिन बताया नहीं आपने आप कौन से अभिनेता हो। ये सब तारका बनते हैं, तारका। आप खुद ही कह रहे हो कि हम लोग रामलीला करने जा रहे हैं, और क्या, इसलिए तारका का अपना करते हैं। अरे हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी की थी कि आप, नहीं नहीं आपको पुल बनाना ही पड़ेगा। नहीं बना पाए कोई बात नहीं, कोई आपने ठेका थोड़ी लिया था पुल बनाने का। नहीं बना पाए कोई बात नहीं, और मैंने भी आपसे जबरदस्ती नहीं की थी ना, मैंने पुल बनाने की आपको बात नहीं कही थी ना? मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर कन्हैया ने ये पुल बनाया था वहाँ पर 84 मंदिर है, 84 तीर्थ है और 84 खम्बे बने हुए हैं। है? तो ये सारे 84 मंदिर, 84 तीर्थ, 84 खम्बे और कन्हैया के हाथों से बनाया हुआ पुल आखिर ये किस स्थान पर बने हैं? समझो, वो तो आपके लेखपाल जी ध्यान नहीं दिया उसको ना, बाकी बात ठेका लेके बैठ गए पुल बनाने का। हाँ रामलीला खेलेंगे बस। दो तीन बोरी मोरंग और सीमेंट भी बेच खाया, कैसे बन पाएगा पुल? हाँ देखिए कितनी बढ़िया लाइन जोड़ी है, कह रहे हैं क्या, ये पुल ठाया पुलिया बनाई समझ में नहीं आई। तो हमारा गाना ही बेकार, जब आपके समझ में नहीं आया तो हम क्या गाएं फिर? गाना नहीं समझ में आ रहा आपको, चले कहां गए आप? कहां चले गए आप? आ गए हैं, आइए आपका स्वागत है। बड़े भाग जो आप आ गए, बड़े भाग। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और क्या, आपने जवाब दिया है क्या? कहने लगे क्या कि कृष्ण बने सीरी रघुनंदन रुक्मणी सीता रानी, तो पल भद्र बनी लक्ष्मण भैया, ऐसी रची कहानी। और अब खेली रामलीला, मतलब आपने रामलीला तो खेली लेकिन कौन सा अभिनय किया ये नहीं बताया, मतलब किस दिन की रामलीला खेली ये तो बताते हैं। और क्या बताना चाहिए आपको, धनुष यज्ञ की खेली या पंचवटी वाली खेली या सीता हरण वाली खेली, कौन सी खेली बताइए तो, तारका वाली खेली। मैंने हम गाने के माध्यम से ही आपसे पूछ रहे हैं,
बस खेली रामलीला, लेकिन कौन सी रामलीला खेली ये तो बताओ। नोट करा दिया तो राम रंग में, अरे बजरंग रंगीला तो वही खेली राम लीला, वही खेली राम लीला। ये अफ्रीका से ही पकड़ा आपने भैया। श्री दीपू शर्मा जी और नरेंद्र सोनी कार्यक्रम प्रभारी, आप दोनों महानुभाव के माध्यम से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है। क्या बात है, ऐसे साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद। अब जो भी जैसी भी रामलीला आपने खेली कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। अभी हमने बोला कि आपको अपने रामलीला नहीं है ना। आप घबराहट में, मैं दौड़ी चली आई, इस धुन को आप उसी धुन में गा रहे जो धुन वंदना वाली गा रहे थे। हिम्मत से काम लो, माता का नाम लो। हम लोग सोच रहे थे ये धुन कैसे बदल गई भाई, लेकिन घबराइए मत, आराम से गाइए, ऐसी कोई बात नहीं है ना। जब जब प्यार सदा तोड़ना वाले हैं और बहुत अच्छे बहुत सुरीले कलाकार हैं। हाँ, आपके माध्यम से ये 21 मुद्राओं का आशीर्वाद है। क्या बात, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, धन्यवाद। Oh, my God.
मुद्राओं का पुरस्कार आया है मेरी ओर से। आप दोनों महानुभाव को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए देते, आप ही ढूंढ लेते, उसमें राम जी
के दर्शन नहीं हो पाए हनुमान जी महाराज को। सुने आप मेरी बात को, सुनिए। जिस समय सागर का मंथन हुआ तो चौदह रतन निकाले निकली थी तो कहा गया अरे जो सागर मंथन के कहा था अरे हम मन के में नजर न आए क्यों अरे हम मन के में नजर न आए ये मन के नहीं है मन के यानी मन के ये दाने मोतियों के मेरे मन के नहीं है तो क्यों नहीं है जरा सुने आप कि चौदह रतन निकाल जो सागर मंथन के हम मन के में नजर आए मन के नहीं मरते ये मन के नहीं सागर मंथन के द्वारा समुद्र ने वो माला आदरणीय सुनील भाई साहब और चतुर्वेदी जी सुने आप इसमें मैं आपको दो प्रमाण दे सकती हूँ ऐसे एक प्रमाण मिलता है कि जब सागर मंथन से वो माला निकली समुद्र ने वो माला महाराज दशरथ के पिताजी को दी महाराज दशरथ के पिताजी को दी अब महाराज दशरथ के पिताजी ने दशरथ जी को दे दी दशरथ जी आए उन्होंने वो माला अपनी पत्नी महारानी कौशल्या को दे दी कौशल्या को दे दी और जिस समय माता जानकी की मुंह दिखाई हुई वही माला माता कौशल्या ने माता जानकी को दे दी माता जानकी को दे दी और वही माता जानकी को जब माला मिली तो वो माला माता जानकी ने भगवान राम को समर्पित कर दी लेकिन जिस समय उपहार वितरण की बारी आई तो माता जानकी ने कहा प्रभु ये तो आपके अनन्य भक्त हैं इनको कोई ऐसी अनमोल वस्तु दी जानी चाहिए जो सदा सदा सारा संसार याद रखे तो राम जी ने वही माला फिर माता जानकी को दे दी और माता जानकी ने वही उपहार स्वरूप हनुमान जी को प्रदान कर दी रविंद्र प्रधान भैया हमारे श्री रविंद्र प्रधान जी भैया भैया भैया
अच्छा महेंद्र प्रधान जी, राज रविंद्र प्रधान जी, राज राजपुरा वाले। अच्छा भोले बाबा के नाम से ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। लेकिन एक प्रमाण, एक प्रमाण और मिलता है, जरा सुने आप, सुनिए। रत्नों की माला लंका में, परेशान न होइए। अगर आप कहोगे कि राखी इसका मुझे प्रमाण चाहिए तो मैं आपको प्रमाण भी दे सकती हूँ। और क्या सुने आप, तो लंका से लेकर आए वीर बलि वो पतियाई, जब लाए तो एक कपिराई ने बदनपुरा आपके द्वारा 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। इन जवाब की लाइनों पर दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब उसमें नजर न आने का कारण क्या था, राम जी बता रहे हैं माता जानकी को, बोले हे सीता तुम्हारा कहना उचित है कि अगर मैं उन मोतियों में दर्शन दे देता तो हनुमान जी को अपना सीना नहीं चीरना पड़ता, और ये भगवान की लीला ही चल रही है। अगर हनुमान जी अपना सीना ना चीरते, हनुमान जी अगर अपना सीना ना चीरते, क्योंकि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कहे जाते थे, हनुमान जी ने एक प्रमाण अपनी भक्ति का भी दिया है सीना चीर के। अब देखिए अगली बात सुने आप, कहने लगे भगवान मैंने सीता तुमको दी, सीता तुमको दी, तुमसे बजरंगी पाए, तुमने अपने हाथों से उपहार हमारे
ने सीता तुमको दी, तुमसे बजरंगी पाए। और ये जो मोतियों में जो रतन लगे हुए हैं, जो मणि लगी हुई है, जो मोती लगे हुए हैं, ये है कैसे? कैसे? मैंने सीता तुमको दी, तुमसे बजरंगी पाए। अरे पाई अशुष्टि उन रत्नों में, इसीलिए न नजर आए। उन रत्नों में उन मनकों में अशुद्धि थी, वो अशुद्ध थे रावण के द्वारा, इसीलिए तो मन भाए ना शंकर सुमन। अरे मन भाए ना शंकर सुमन के, मन भाए ना शंकर सुमन के, अरे मन के नहीं थे मन के, इसीलिए अरे मन के